दाल फ्राई जीरा राइस। लॉकडाउन की वजह से हो सकता है हमारे घर में कोई ग्रीन सब्जी ना हो, तो हम बनाते हैं दाल फ्राई जीरा राइस। उसमें ना तो कोई ग्रीन सब्जी चाहिए ना कुछ और ऐसा कि हमें बाहर से लाना पड़े। ऐसी चीजें डाली है जो सब घर पे ही मिल सकती है। हमने सबसे पहले ये एक कप दाल भिगो के उसको बॉईल कर दिया है। इसके अंदर मैंने ली है तुअर की दाल, मूंग की दाल और थोड़ी उड़द की दाल, जैसे समझो सारी दालें मिक्स की है हेल्दी वर्जन देने के लिए। अगर आप चाहो तो तुअर की दाल और मूंग की दाल दो भी ले सकते हो, पर मैंने यहाँ पर सारी दालें ली है क्योंकि मुझे थोड़ा हेल्दी टाइप बनाना है। और अब हम उसमें डालते हैं थोड़ा घी, 2 टेबलस्पून घी। और घी जैसे ही घी गर्म होता है उसके अंदर थोड़ा जीरा डाल दीजिए। जैसे ही जीरा क्रैकर होता है उसके अंदर इसमें अदरक लहसुन और जिंजर ये तीनों चीज डाली हुई है पेस्ट मैंने डाली। उसके बाद हमें डालेंगे एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज। यहाँ पर मैंने थोड़ा हल्दी पाउडर डाला है, 2 चम्मच रेड चिली पाउडर, आधे चम्मच धनिया पाउडर और ये ऑप्शनल है दाल फ्राई मसाला, अगर आपके पास है तो डाल सकते हो। मेरे पास यहाँ पर था इसलिए मैंने डाल दिया। इसको अच्छे से रोस्ट कीजिए तब तक मसाले पक ना जाए। मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। और ये मसाले पकते हैं तब तक हम ये दाल को थोड़ी सी ग्राइंड कर देते हैं। थोड़ी सी ग्राइंड करनी है, ज्यादा नहीं करनी है। इससे क्या होगा, ये मैंने जो सब सारी अलग अलग दालें ली है वो एक बाइंडिंग हो जाएगी, एक साथ एकदम अच्छा सा फ्लेवर आएगा। पक चुके हैं, ये दाल हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी एकदम अच्छे से क्लीन कर लीजिए और इसको उबलने दीजिए। 5 मिनट के बाद गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए। अब हम बनाएंगे राइस, जीरा राइस। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून बटर ले लिया है, उसको गर्म होने देते हैं। जैसे ही गर्म हो जाता है उसके अंदर हम डालेंगे बहुत सारा जीरा क्योंकि इसका नाम ही है जीरा राइस। जैसे ही जीरा क्रैकर होता है तो हम उसके अंदर राइस को डाल देंगे। और हमें राइस को थोड़ी देर 2 मिनट तक ऐसे ही मिला के रोस्ट करने हैं। इससे क्या होगा, ये जीरा का जो भी फ्लेवर है वो एकदम राइस में अच्छे से मिक्स हो जाए। 2 मिनट हो चुके हैं और ये राइस रोस्ट हो चुके हैं। तो हमने 1.5 कप चावल लिया था, उसके हिसाब से हमें 2 कप से थोड़ा ज्यादा चावल ज्यादा थोड़ा ज्यादा पानी डालना है। और इसके अंदर डालेंगे एक मिसल में हमारे राइस रेडी हो जाएंगे। हमारे हेल्दी जीरा राइस एकदम खाने के लिए